एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट एंड एक इम्पोर्टेंट टाइप के सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के सवाल आपको मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है एंड उस फॉर्मेट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसे ध्यान से समझिए। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है एंड हमें कुछ इस टाइप की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है वो x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है, या फिर उसमें कुछ पावर पे है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट पर वैल्यूज फाइंड करनी है और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको सब कुछ भी पावर दिया हो, ठीक है, आपको कोई एक सपोर्टिंग इक्वेशन दिया हुआ हो, तो जब भी आप कुछ ऐसा फॉर्मेट पर सवाल इस फॉर्मेट का पर की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप कुछ भी करके इस क्वेश्चन को या तो आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें या फिर आप इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एंड जैसे ही आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा प्रोसीड करना। तो कुछ ऐसा ही करते हैं इस सवाल पर। ठीक है, सवाल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स प्लस वन। मैं इसे रीअरेंज करता हूं एंड रीअरेंज कुछ ऐसे करना, आप जब भी जो हाईएस्ट पावर है एंड जो जस्ट छोटी वाली पावर है उसको उस साइड भेज दीजिएगा, नेक्स्ट साइड, एंड वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साइड भेजते ही आप ये जो एक्स है इसको इस साइड भेज दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, तो कुछ ये बचेगा। दैट मींस नाउ अब मैंने उसे जस्ट रिक्वायर्ड फॉर्मेट पर कन्वर्ट कर लिया जैसे मुझे फॉर्मेट चाहिए थी। एक्स प्लस वन बाई एक्स की मेरे पास अब वैल्यू आ गई है। अब मेरे लिए वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर या फिर उसके कोई भी पावर को निकालना बहुत आसान हो गया। ऐसा क्यों? इस पर भी एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं देखता हूं। पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मुझे यहां पर फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व ले रहा हूं भी। फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर वन है पावर, तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा इसकी, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये एक्स एक्स कर लिया, ठीक है, एंड दिस वैल्यू 14, ये जो वैल्यू में फाइंड करनी थी वो आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई है। ठीक है, इस फॉर्मेट से इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखने वाली बात है, अगर इसमें इन दोनों टर्म को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो उनके कोफिशिएंट, उनके लिटरल टर्म्स यानी कि एक्स, वो आपस में कट जाते हैं, वो बसता है सिर्फ उसमें सिर्फ कोफिशिएंट्स के मल्टीपल बचते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट वन है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू बची है वो वन बची है। तो यही एडवांटेज है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर मैं सारे वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ या किसी भी पावर तक वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। हालांकि ये जनरल पैटर्न फॉलो करता है ऐसा ही, बट आपको पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे कई सारे सवाल बनते हैं एंड आप अननेसेसरी पैटर्न्स को याद करेंगे तो दिमाग पर आपको स्ट्रेन पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इन चीजों को समझें एंड बहुत जल्दी ही एग्जाम में विद इन 10 सेकंड आप इसे खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 आएगी। आप यहां तक समझ गए। अगर एग्जाम में सपोज कुछ ऐसी वैल्यू दी होती, इसकी कुछ वैल्यू दी होती और आपको ये वैल्यू या फिर इनमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करना होता तो भी आप कर लेते, ये बात ध्यान रखेगा। मैंने सिर्फ अभी जो केस लिया है वो प्लस वाला केस लिया है एंड नेगेटिव वाला केस आप खुद से सवाल फ्रेम करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। अब बिल्कुल सेम होता है, आपको कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई है एंड आपको कुछ ये वैल्यूज फाइंड करना है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे को एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास इसकी वैल्यू आई हुई है, दी हुई है, मैं इसे क्यूबिंग कर दूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्राइस इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 64, 4 का क्यूब 64, बस सिंपल है। अब ये x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस फिर से कट गया, जब जब मल्टीप्लाई होगा तो कटता जाएगा। इसकी वैल्यू देखें आप, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, बस सिंपल से आप उसे रिप्लेस करिए एंड आपके पास आ गया इसकी वैल्यू विच इज 12 माइनस 64 माइनस 12 दिस इज 52। तो दिस इज द आंसर।
आप बड़ी ही आसानी से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लिए आपने, ठीक है। बच्चे यहां तक तो आसानी से कर देते हैं क्योंकि इसके बाद यहां तक हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। बट अब बच्चे यहां पर अटकते हैं एक्स रेस टू पावर फोर या फिर उससे हायर पावर जो आती है वहां पर वो अटक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास जनरल आइडेंटिटी नहीं है, जनरल फॉर्मूला नहीं है उनके पास, ठीक है। तो उस केस को कैसे डील किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ खास नहीं करना होता, बिल्कुल आसान होता है, वो भी देख लीजिए। थर्ड पैटर्न देखते हैं जहां पर हमें एक्स रेस टू पावर फोर प्लस वन बाई एक्स रेस टू पावर फोर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब भी आपको ऐसी कुछ वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कोशिश करिएगा यार उसे जितने सिंपल टर्म्स में ब्रेक कर सके। आप देखिए यहाँ पर पावर फोर है, और आपको एक बात अगर बताऊं तो एक्स रेस टू पावर टू इंटू एक्स रेस टू पावर टू विल ऑलवेज गिव फोर, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो बस सिंपल आपको लॉजिक लगाना है, उसी लॉजिक पर आपको मैं सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जस्ट इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करिए एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर फोर प्लस ये कट जाएगा यहां पर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, ये बना जाएगा एंड दिस विल अगेन इसे आप चाहे ना मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये कट जाएगा वन आएगा एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड एंड ये एक्स रेस टू पावर फोर हो जाएगा, यानी कि एक्स रेस टू पावर फोर प्लस टू प्लस वन बाई एक्स रेस टू पावर फोर। एंड इसकी वैल्यू हमने डिराइव की थी अभी वो 14 आई है and this is again 14 and ये है x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4 plus 2, ठीक है। and अब इससे आप 14 into 14 196 minus 2 which is 194 is equal to x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 4। आपने आसानी से इसे सॉल्व कर लिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, हमें 194 हमारा आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 194 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक बार इसमें ध्यान रखनी थी कि यार जितने पास मैं ब्रेक करूं एक पावर फोर को एंड मुझे देखना है कि यार वो किस टर्म को मल्टीप्लाई करके सॉल्व होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम फोर्थ पार्ट में प्रोसीड करता हूं, आप उसे भी देख लीजिए। यहां तक मैं रब कर देता हूं, ठीक है। इसका रिक्वायर्ड इससे जरूरत नहीं है हमें इसकी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, हमें यहां पर एक्स रेस टू पावर फाइव तक चाहिए, यानी कि मैं इसे कर सकता हूं। आप एक दिमाग का आप सोचिएगा इससे अगर मैं ऐसा लिखूं तो एक्स रेस टू पावर फाइव बनता है, बस आपको यहां तक समझना होता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, पहले एक्स रेस टू पावर फाइव बनाएगा फिर मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स बचेगा, ठीक है। ये फिर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहां पर वन बाई एक्स बचेगा प्लस वन बाई एक्स रेस टू पावर फाइव बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही एंड इसे आप सॉल्व करेंगे तो x रेस टू पावर 5 प्लस 1 बाई x रेस टू पावर 5 प्लस x प्लस 1 बाई x, ठीक है। ये वैल्यूज बचेगी हमारे पास। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 52, जस्ट ना अभी हमने 52 निकाली थी इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू हमने निकाली थी अभी 14, ठीक है। बस आपको यहां तक इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एंड इसकी वैल्यू हमारे पास अभी भी है, ठीक है। तो आप इसे x रेस टू पावर 5 प्लस 1 बाई x रेस टू पावर 5 प्लस 4, ठीक है। एंड इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 72 72 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 इस साइड जब आएगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 724 x रेस टू पावर 5 प्लस 1 बाई x रेस टू पावर 5 की वैल्यू 7 रेस टू पावर 724 आएगी, ठीक है। दिस इज हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप इस टाइप के सवाल को आई थिंक एक्स रेस टू पावर सिक्स को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्थ पार्ट के लिए। कुछ इस पार्ट से आपको एक्स रेस टू पावर सिक्स के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई गेस आप सिक्स के लिए कर लेंगे एंड अगर मैं बोलूं आपको सेवन पावर के लिए करना तो आप सेवन पावर जो मेरे पास दी हुई है उसे भी आप कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी वैल्यू के लिए आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आपने डिराइव कर ली फिर इसकी वैल्यू निकाल ली एंड आपस में मल्टीप्लाई कर दिया एंड तो जो भी आप टर्म्स आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हो, उनकी वैल्यूज निकाल कर आप फाइनली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई थिंक आप इस टाइप के सारे सवालों को आप आसानी से कर लेंगे एंड ये इंपॉर्टेंट है
तो आई गेस सर आप इसे कर लेंगे। एग्जाम पे कभी कभी होता है कि इक्वेशन नहीं दी होती, डायरेक्टली कुछ ऐसा फॉर्म दिया हो सकता है, या फिर आपको ये भी फॉर्म दिया हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट, एक तरीका ये आ सकता है, एक तरीका और जो आ सकता है, आपको कभी इसकी वैल्यू दी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको इसकी वैल्यू दी होती है, इसकी वैल्यू दी हो सकती है, या और इसकी वैल्यू दी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू आपको दी हो सकती है, तो आप आसानी से थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करके रिक्वायर्ड इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिएगा, देखेंगे तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेगा बिल्कुल, आप कोई भी रिलेटेड पावर तक आसानी से दो या तीन स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल सा एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड उसके बाद मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अभी जो हमने लिया था, लास्ट क्वेश्चन लिए थे, उस पर कॉफिशियंट जो था वन था, कॉफिशियंट जो थी लिटरल टर्म के वो वन थे, यहाँ पर फाइव है, एक बार यहाँ पर थ्री है, अलग अलग है, एंड हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो नाइन ए स्क्वायर प्लस अंडर वन बाई 25 ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अगर सिंपल आपको अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती 25 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 ए स्क्वायर की, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता, वो भी देख लेते हैं वो आप कैसे सॉल्व करते। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती तो आप डायरेक्टली क्या करते, इसे स्क्वायरिंग करते, स्क्वायरिंग करते तो 25 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 5 ए इंटू 1 बाई 3 ए इज इक्वल टू 25 आप करते, ठीक है, एंड कुछ ऐसा हो जाता है 25 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 ए स्क्वायर, ये ए ए कटा, ठीक है, यहाँ पर 10 बाई 3 आता और 25 करते, ठीक है, एंड आप इसको 10 बाई 3 को साइड भेजते तो 25 10 बाई 3 होता एंड दिस विल बी, दिस वुड हैव बीन 65 बाई 3। वो वैल्यू जो आती 25 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 ए स्क्वायर की आती, आपका को अगर सवाल ये होता तो आप आसानी से ये फाइंड कर सकते थे 25 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 9 ए स्क्वायर की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते थे, बट जो अब सवाल है वो है 9 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 25 ए स्क्वायर, ठीक है, सवाल कुछ अलग है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब आप बात ध्यान इस पर ध्यान रखिए, ठीक है, फाइंडिंग दिस, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो इस फॉर्मेट में आप पहुंचने के लिए आप देखिए यार 9 ए स्क्वायर है, ठीक है, एंड अगर मैं बोलूं इसका रूट क्या होगा तो 3 ए होगा, ठीक है, 3 ए होगा और इसी का स्क्वायरिंग करते हैं तो 9 ए स्क्वायर आता है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बोला था कि यार अगर हमारे पास एक्स है और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इसे अदर बस का स्क्वायरिंग करते हैं, तो बात तो ये भी है कि यार हमें कुछ इक्वेशन को स्क्वायरिंग तो करनी है क्योंकि लिटरल टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ए का स्क्वायर हो रहा है, बट यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है तो कोफिशिएंट को कुछ भी करके हमें 3 करना होगा, ठीक है, कोफिशिएंट को कुछ भी करके 3 करना होगा, आई गेस आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कोफिशिएंट को मैं कुछ भी करके 3 करता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके एंड 5 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं यहां पर 3 से करूंगा तो ये भी 5 से होगा, ठीक है, 3 बाई 5 से अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी 3a ब्रैकेट जैसे खुलेगा प्लस ऑफ 1 बाई 5a इज इक्वल टू 3, ये 5 5 कट गया एंड 3 बचा। अब क्या होगा, कोफिशिएंट मुझे 3a मिल गया जैसा मुझे रिक्वायर्ड था। अब क्या करना है, अब सिंपल है, अब मैं इसे स्क्वायरिंग कर दूंगा, अब मैंने इसको स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 ए इंटू 1 बाई 5 ए इज इक्वल टू 9, ठीक है, अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, ये ए कट गया, ठीक है, 9 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 25 ए स्क्वायर प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 9, ये 6 इस साइड जाएगा, 9 से माइनस होगा विच विल गिव, सॉरी दिस वुड हैव बीन 6 बाय 5, ये 9 से माइनस होगा तो ये 6 बाय 5 देगा, ठीक है,
एंड आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9a² + 1y 25a² की वैल्यू 39/5 आ जाएगी। ये सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 45 - 6/5 हो जाएगा विच इज 39/5। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 39/5। आई थिंक आप ऐसे ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स पे। तो अभी तक मैंने जितने भी सवाल लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप उन सारे सवाल को एक बार फिर से कर लीजिए एंड ऑलमोस्ट मैंने 60% या 70% तक के सवाल जो एग्जाम पे आएंगे जिस पैटर्न में आएंगे वो मैंने कवर कर दिए हैं। एलजेब्रा के ऑलमोस्ट लगभग जितने इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। एंड जो सवाल में फैक्टराइजेशन का यूज हो रहा है उसके लिए वो सवालों को बस मैंने छोड़ा है, ठीक है। उन सवालों को मैं अभी आगे चैप्टर्स पे लूंगा एंड 70% तक तो मैंने एलजेब्रा आइडेंटिटीज का मैंने कवर कर दिया है। जो रिमेनिंग 30% है उसमें से 20% सवाल जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से ले लूंगा एंड हार्डली 10 या 5% जो बचेगा उसे आपको खुद इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा, शायद आपको मिले भी ना। तो ये 95% प्रिपरेशन आपके लिए काफी है एलजेब्रा की एंड एग्जाम में आई गेस आप ऑलमोस्ट 90-100% स्कोर कर लेंगे अगर आपने ये सवाल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीटली देख लिया है। तो एलजेब्रा चैप्टर से आप कंप्लीटली निश्चिंत रहिएगा अगर आपने ये देख लिया एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लिया। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर दिस। नाउ विल स्टार्ट फैक्टराइजेशन।